मैं जो करने वाला हूं ना मॉम, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा आपको और सबको। आई नो, ऐसा आप क्या करने वाले है? कुछ अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आप लड़के वालों से बात कर रहे हैं, आपको मेरी शादी की जल्दी थी ना, हम मेरी शादी तय करके शादी की तारीख ले लें। गुलबानो, सब खैरियत तो है? कमरे से ही नहीं निकली सुबह से। हाँ, वो सर में कुछ दर्द सा था इसलिए कमरे में आराम कर रही थी, अब काफी बेहतर है तबीयत मेरी। चलो ये तो अच्छा है। वैसे सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, क्या हुआ, तुम ये क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली कल आशर आपसे और मीरा आपसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे ना, तो मैं परेशान हो गई। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? वो तो इधर इधर उधर की बातें कर रहे थे। इधर उधर की बात? इधर उधर की क्या बातें? मतलब घर के बारे में, बिजनेस के बारे में, और खास तौर पर तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो बहुत तारीफें कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे कि आफिया को देखो, सारे घर को संभालती है, सबका कितना ख्याल रखती है, तुम्हें भी आफिया से कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, और गुलबानो कोई और बात तो नहीं है ना? आफिया और कोई बात नहीं हुई, मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगी क्या? आज से पहले मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगी? मैं कमरे में जा रही हूँ, सर में फिर से दर्द हो रहा है, जाकर थोड़ा सा आराम करूं। गुलबानों के तेवर बड़े बदले बदले तो है, जिसकी पर्दादारी। मैं जाता हूं, सफदर का मामला मेरी जगह तुम हल करो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये काम मेरी जगह आप खुद करें तो आपकी ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम करोगे तो तुम्हारी इज्जत बनेगी, जो मेरे ज्यादा काम है। लेकिन आपके क्या काम आएगी, मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बिस्मा के घर वालों के दिलों में अपनी जगह बनाओ, और जब जगह बन जाए तो उनके घर में दाखिल हो जाओ। मगर वो लोग मुझे अपने घर में क्यों दाखिल होने देंगे? जरूर होने देंगे, जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करते जाओ। देखना रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाए। और मेरा आपका काम आज ही करना है या कल? आज ही करना है, और टाइमिंग का खास ख्याल रखना, एक मिनट ऊपर नीचे ना हो। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, एक किसी तरह के काम तो हैं जो मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। बस एक चीज का ख्याल रखना, जब तुम मेरे घर पहुंचो तो। अच्छा किया आंटी ने, एटलीस्ट तुम्हारा मूड तो अच्छा हो जाएगा। मगर इतनी जल्दी मंगनी और फिर शादी भी, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी कर रही हो? सच पूछो तो हम तो कुछ फील ही नहीं होता।
क्या जल्दी, क्या देर, कहाँ खड़ा होना था? कुछ नहीं पता क्या चाहिए था और क्या गलत, ये भी नहीं मालूम। और मीराब ने दोबारा रब्ता नहीं किया उस दिन के बाद से? रब्तों का इंतजार उनका किया जाता है जिन पर आपको कोई मान कोई यकीन हो। कहाँ खलिश की दीवार आ जाती है वो ना तोड़ी जा सकती है ना पार की जा सकती है। अनिला, तुमसे कहा था ना इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे दूर कहाँ जा रही है, इधर नजदीक खड़ी हो। तूने मुझे इनकार करके ना अच्छा नहीं किया, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि सारा मोहल्ला तेरे मुंह पे थू थू करेगा। अब फोन किसको मिला रही है? अब कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी तू और ये तेरे मोहल्ले वाले याद रखेंगे। हैं? औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द नहीं बल्कि जुड़े हुए। चलो दो मिनट के लिए समझ लो कि मैं ही चढ़ाई, मगर तुम कौन हो? निकल जाओ यहाँ से, ये हमारा जाती मसला है। अगर ये तुम्हारा जाती मसला होता ना तो घर के अंदर हो रहा होता, बाहर नहीं। बाहर हो रहा है तो ये महल्ले का मसला, तुम समझे? मेरी बात सुनो, मैं खामखा मोहल्लेदारी के चक्कर में ना मुफ्त में मारे जाओगे, निकल लो। मैं एक सरकारी अफसर हूं, 5 मिनट में इस इलाके का DSP मुझसे मिलने आने वाला है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, उससे पहले निकल लो, वरना मारे तो नहीं जाओगे लेकिन अंदर जरूर जाओ। मैं एक बार फिर आऊंगा और अगर अगली दफा कोई बीच में आया ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा है। आप तो ठीक है ना? मीराब, कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। बेटे काम का वक्त हो गया है, अब घर जाने का वक्त है, वैसे भी 6 बज गए। आओ पापा, आप जाएं, मुझे काम वाइंड अप करने में कुछ टाइम लगेगा, मैं आ जाऊंगा घर। मैं तुम्हारे लगन से इंप्रेस हूँ मीराब, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। ज्यादा काम करोगे तो सेहत भी तो बिगड़ सकती है, जान है तो जहां है। आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। जी मैं आता हूं। शाबाश। यस मैडम, आ गया तुम्हारा घर। मैडम, मैं मैडम कब से हो गई? जब से इस घर से रिश्ता जुड़ा है। कैसा रिश्ता? मेरा मतलब है दोस्ती का रिश्ता, दोस्ती भी तो रिश्ता ही होता है। कल बिस्मा के एंगेजमेंट पे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगा, अब तो इस घर से रिश्ता भी तो बन गया। मैं आऊं ना आऊं, दिल तो यही रहेगा। वक्त पे आ जाइएगा, ज्यादा इंतजार नहीं करवाइएगा। हाँ हाँ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। बिस्मा को मेरी तरफ से
एडवांस में मुबारकबाद दे देना। इंतजार तो मुझे रहेगा चांद को देखने का। बाय। ओके बाय। और हम उससे मोहब्बत करने लगे हैं जैसे मैं उनसे करने लगी हूं। ट्राई करें बहुत अच्छा। वैसे मीराब ने ना आज मुझे अपनी माजी याद दिला दी। भाई जिस लगन से ये माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है बिल्कुल वैसे ही लगन से मैंने भी बिजनेस में अपने कदम रखे थे। बस थोड़ी देर और फिर ये ख्वाब हकीकत होगा। अरहम तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें बिजनेस में बीट करने वाला है। जिस दिन मुझे ये बीट करेगा ना उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। कंपटीशन बहुत पसंद है मुझे। सच बोलूं तो आज मेरा सीना चौड़ा हो गया है। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। टाइम तो हो चुका है, ये तैमूर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? लगता है तैमूर आ गया, अब ये जश्न मातम में बदलेगा। अरे कौन कमबख्त आ गया इस वक्त? गेट पर चौकीदार नहीं है क्या? मैं देखती हूँ साहब जी। पापा चौकीदार है ना गेट पर, आप खाना खाएं वो देख लेगा। मैं चाहता हूं कि फैल्कन ट्रेडर्स के साथ कल दोपहर को जो मीटिंग है ना मेरी जगह मीराब अटेंड करे। इट विल बी गुड फॉर हिम, इंडिपेंडेंट जाएगा, कुछ सीख कर आएगा। जी पापा जैसे आपको बेहतर लगे। आ गया मीराब की बर्बादी का परवाना। ये आपके लिए। मेरा नाम हानिया है, आपके बेटे मीराब से बहुत मोहब्बत करती थी। मगर उसने ये तस्वीरें बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं कई महीनों से मीराब की हर जायज और नाजायज डिमांड। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मेरे साथ चलो। तुम मीराब, तुमसे बात कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। और तुम भी। फौरन। आशिर को अचानक क्या हो गया? क्या था उस लिफाफे में? आशिर को अचानक क्या हो गया? वो इतना गुस्सा तो नहीं करते?
बेहम साहिबा, साहब इतने गुस्से में सब कहते तो है। तुम अपने काम से काम रखा करो, समझी? उठाओ ये बर्तन। अरे रज बस्मा, क्यों नहीं तुम दोनों मेरी बात समझ रही हो? वो तब ऐन मौके पे वो अजनबी आ गया था, वरना सफदर तो पता नहीं क्या कर गुजरता। अब ठीक कह रही हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कोई खास बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं तो बोल बोल के हलकान हो चुकी हूँ, तुम दोनों सुनती कहाँ हो? अम्मी मैं तो कहती हूँ कल हम उनकी पुलिस में कंप्लेन करवा देते, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। नहीं, अब पुलिस वगैरह में कंप्लेन कराने की जरूरत नहीं, हम घर की औरतें कहाँ थाने कचहरियों के चक्कर लगाती फिरेंगी, कोई जरूरत नहीं कंप्लेन करने की। फिर मैं आराम से बात करती हूँ, वो खुद ही संभाल लेंगे। वो सफदर धमकी देकर गया है कि मैं एक दो रोज में फिर चक्कर लगाऊंगा, उससे पहले पहले तुम दोनों उसका कुछ बंदोबस्त कर लो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझसे ये अज़ियत नहीं बर्दाश्त हो रही है। अम्मी अम्मी, आपने ये गलती से भी नहीं सोचना, हम हैं ना साथ, हम मिलकर सामना करेंगे उनका। अम्मी चुप हो जाओ प्लीज। अम्मी हौसला करें, आप ऐसे रहोगी तो हमारा क्या होगा? मैं कल ही आराम से बात करती हूँ, वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन टल जाएगा, बस आपने घबराना नहीं है। अम्मी प्लीज प्लीज, खुद को संभालें, क्या हो गया आपको? यही तरबियत दी थी कि तुम लोगों की बेटियों की जिंदगियां खराब करते फिरो? पापा ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, पहले भी इसने। बंद करो मेरा, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा बुलाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पापा आप मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी है? ये खत झूठा है, सिर्फ तुम सच्चे हो। मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं जानता तक नहीं। जानते कितना ही, अब अगर झूठ बोला ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूंगा। खुदा ना खास्ता तुम्हारी मां ये तस्वीरें देख ले तो क्या इज्जत बचेगी उनकी तुम्हारे लिए? क्या कभी सोचा है? आज तुमने वाकई साबित कर लिया, ना तुम घर के सगे हो और ना ही घर वालों के और ना ही हमारी इज्जतों के। घिन आती है मुझे तुमसे, नफरत हो रही है तुमसे, शदीद नफरत।